5 दिन के अंदर 500 करोड़, ऐसी डील कहीं सुनी है आपने? भाई ये डील तो आपको बॉलीवुड में ही नजर आएगी, स्पेशली शाहरुख साहब के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख साहब ने एक बीड़ा उठाया, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, और ये था फिल्म पठान के अंदर। पठान के अंदर हमने जिस तरीके से एक्शन को देखा, जिस तरीके से हमने सस्पेंस देखा, जिस तरीके से हमने चीजें देखी, टोटली माइंड ब्लोइंग। अब दोस्तों यहां पर लेकिन कुछ और बात है। बात यहां पर यह है कि पठान ने 5 दिन के अंदर 500 करोड़ कमा लिए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ साथ ग्रॉस डोमेस्टिक जो कलेक्शन हुआ है उनकी बात कर रहा हूं। पठान फिल्म ने अपने 5 दिन के अंदर 500 करोड़ कमा लिए हैं। मतलब कि 500 करोड़ कमाने वाली ये वो फिल्म बन गई है जिसने सबसे पहले तो कमाए हैं, साथ ही साथ साउथ की तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों को चकनाचूर कर दिया है, नेस्ता नाबूद कर दिया है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो पठान फिल्म वो फिल्म है जो कि दर्शकों को बेहद पसंद आई है। पठान फिल्म के अंदर जहां पे शाहरुख साहब का एक्शन देखने को मिला है, वहीं साथ ही साथ उनका एक कॉमेडी जॉनरा और रोमांस का एंगल भी दिखा है। ऐसे में फिल्म के अंदर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दर्शकों को अपील करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पठान की अगर बात की जाए तो उसने तो 500 करोड़ कमा लिए अपने 5 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड और सारे कलेक्शन को मिला के, लेकिन क्या भाईजान सलमान खान कमा पाएंगे? अरे मैं बात कर रहा हूं कब किसी का भाई किसी की जान की बात, भाईजान की बात। जी हाँ दोस्तों, अगली जो फिल्म बड़ी रिलीज हो रही है वो किसी का भाई किसी की जान है। हालांकि बीच में भोला भी है, तू झूठी मैं मक्कार भी है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट यही आता है। ऑफकोर्स सलमान साहब जुड़े हुए हैं पठान के साथ, यानी कि टाइगर की एंट्री के साथ। मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि यहां पर टाइगर की जो एंट्री है उसकी वजह से और भी ज्यादा सलमान साहब के फैंस और शाहरुख साहब के फैंस मिलकर इस फिल्म को 500 करोड़ तक लेकर आए हैं। वैसे ही सेम ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर 3 तोड़ेगी रिकॉर्ड। टाइगर 3 में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, और जितना बवाल जितना धमाका यहां पे हुआ है उतना ही बवाल उतना ही धमाका जो है वहां पर भी होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन किसी का भाई किसी की जान यानी कि भाईजान को लेकर अभी थोड़ा सा स्पेक्युलेशन है कि वो होगा या नहीं होगा। Well, let's see, देखते हैं कि क्या होता है। वैसे आपको क्या है कहना ये बात जरूर बताइएगा। इंडिया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सारी जगहों से अच्छी रिपोर्ट आ रही है पठान की। और इनफैक्ट आपको बता दूं तो सैटरडे का जो अमाउंट आया वो 53 करोड़ के आसपास तक का आया था। संडे का भी अच्छा अमाउंट आएगा, इतनी पूरी उम्मीदें हैं। तो किस बात की आपको टेंशन है बताइए कमेंट सेक्शन में। और पठान के बारे में क्या है कहना, क्या किसी का भाई किसी की जान इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। बाय बाय।